हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने यह दावा किया, देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर कर दिया है, ये कहना है एपी सिंह का। दिल्ली में देव प्रकाश मधुकर इलाज करा रहा था। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली के उत्तम नगर से जो है गिरफ्तारी की गई है, देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से हाथरस ले आई है पुलिस। और आपको बता दें कि पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा था। हादसे के बाद से ही जो है मधुकर फरार चल रहा था। लगातार इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश मधुकर, और जाहिर तौर पर मुख्य आयोजक पर यह जिम्मेदारी बनती थी कि आखिरकार भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, क्यों अव्यवस्था वहां पर फैल गई, और इसीलिए मुख्य आयोजक जो था आखिरकार उसकी गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकती है। देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को, अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें, अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए। और भरतपुर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का सेंटर पकड़ा गया है। एक मकान में भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा थी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जैसे इसकी जानकारी मिली वो मौके पर पहुंच गए और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी भी दे दी गई। हालांकि इस दौरान जबरदस्त भारी हंगामा हुआ। भरतपुर के संगम विहार में धर्म परिवर्तन का खेल। ईसाई धर्म में किया जा रहा था लोगों का धर्मांतरण। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। जमकर हुआ हंगामा, कई लोग हिरासत। हंगामे की ये तस्वीरें भरतपुर के संगम विहार इलाके की हैं और ये घर आरोपी रवि कुमार का है और हंगामा करने वाले लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। आरोप है कि इस घर पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, लेकिन मौके पर जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची जिसने कई लोगों को हिरासत में लिया। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि काफी लोग इकट्ठा हो रखे हैं फाटक नंबर 39 रिपो रोड पे, जिसपे पुलिस वहाँ पे गई थी और कुछ लोगों को वहाँ से दस्तयाब किया है। कुछ लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग रखे हुए हैं। इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जैसी जानकारी और आएगी आगे अपडेट देंगे। पुलिस ने आरोपी रवि कुमार के घर से कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले सोनार हवेली से भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके लिए SIT का गठन भी किया गया था, लेकिन धर्म परिवर्तन के खेल पर लगाम नहीं लगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी रवि कुमार को धर्मांतरण ना करने के लिए पहले भी समझाया गया था। इनका धंधा यही है, ये रवि कुमार है, ये रविंद्र कुमार चर्च फाउंडेशन जो लिख रखा है, इससे 2 साल पहले भी इसको समझा चुके हैं हम। ये अजान का है, अजान से भी इसको गांव वालों ने इसीलिए भगाया क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को इसने घर से निकाल के नाली में फेंका था। अजान गांव पास में ही है, उसके बाद ये एकता विहार कॉलोनी में रहा,
वहाँ भी इसने यही ईसाईकरण का नाटक किया, वहाँ से भी आम लोगों ने वहाँ से भगाया। अब ये पिछले 3-4 साल से यहाँ रह रहा है, यहाँ ये वही ईसाईकरण का काम करता है। पिछली बार आए थे हम इसको समझा के गए थे कि भाई आप हिंदू हो, हिंदुओं को बरगलाओ मत, कोई भी धर्मांतरण मत करो, तो पहले समझ गया था ठीक है साहब, आज के बाद हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद भी आज पता चला था लंबे स्केल पर, पिछली बार भी हमें पता चला था तो हम बाहर थे, यानी कि कम से कम साहब 200-250 महिलाएं इस घर में, यार वो छोटा सा घर है उसमें 200-250 महिलाएं कहाँ से आ जाएंगी। मगर जब आज भेजा तो वही कहानी निकली, पुलिस लेके गई है, कुछ महिलाएं चली भी गई है। एक के बाद एक भरतपुर में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि इस खेल में शामिल लोगों का नेटवर्क काफी बड़ा है। ऐसे में पुलिस को इस गिरोह की कमर तोड़ने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ आज इस बुलेटिन में इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।